बातें हैं? देखिए, एक रिपोर्ट मिली है और कुछ चीज़ें समाज के साथ जैसा होता है उसमें महत्वपूर्ण होते हैं कि कानून को सख्त किया जाए। मैं सरकार इस पर अभी अपनी टिप्पणी नहीं दी, अभी दी है रिपोर्ट, कल ही दी है, उसका अध्ययन करके जो भी होगा सरकार उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया देगी। कर्नाटका में जिस तरह की क्राइसिस मची हुई है, कांग्रेस और जेडीएस के मंत्री विधायक लगातार पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और जब जेडीएस दोनों साथ साथ आए थे, ये पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य आए थे उनको बाहर रखने के लिए था, और इसीलिए अस्थिरता भी है, और लोकतंत्र में अस्थिरता रहे वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है और हम लोग को उम्मीद है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी निर्णय होएगा वो उचित निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जरूर होएगा। मैं लोकतंत्र को बचाना चाहिए, और जिस प्रकार से जेडीएस और कांग्रेस के एमएलए रिज़ाइन कर रहे हैं उससे साफ दिखता है कि उनके नेतृत्व पे किसी को भरोसा नहीं रह गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि हमें एक युवा अध्यक्ष की जरूरत है। अब ये तो उन लोग का निर्णय है कौन किसको अध्यक्ष बनाएंगे, मगर हो सकता है कांग्रेस के लोग भी ये भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी एक युवा को बनाया था, उनका हर्ष क्या हो गया, तो क्या उनको युवा ही बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ऐसे तो उनका इंटरनल है, मगर उदाहरण राहुल गांधी बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। सर, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो पैनल बनाया गया था उसकी जो रिपोर्ट है वो उनको सौंपी जाएगी, अगर कहा गया कि रिपोर्ट सही नहीं आती तो 25 जुलाई से डेट दे। देखिए, हम लोगों ने हमेशा कहा है कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जो भी बातचीत के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय होएगा वो स्वीकार होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया कि बातचीत करनी चाहिए, अब बातचीत का समय भी बहुत दिया और उससे कोई नतीजा कहीं नहीं निकल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द उसकी सुनवाई करते हुए, क्योंकि भारत का हर नागरिक, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का हर नागरिक चाहता है कि राम मंदिर अयोध्या में जल्द से जल्द बने।